यार कुत्ते ने काट लिया यार। अरे तुम्हारे तो घाव हो गया बहुत ज्यादा, तुम्हें तो डॉक्टर पास चलना पड़ेगा अभी। अरे मैं नहीं जा रहा डॉक्टर के पास यार, 14 इंजेक्शन लगते हैं मैंने सुना है पेट में। अरे भाई तो क्या हुआ, 14 इंजेक्शन लगते हैं? सही तो हो जाओगे, ऐसे सही नहीं होगे। अरे नहीं, नीम और हल्दी के पत्ते बांध लेता हूँ, मैंने सुना उससे सही हो जाते हैं। देखिए मैं तो क्या हो गया, क्या हो गया है पेशेंट? डॉक्टर साहब इनको कुत्ते ने काट लिया था 1 महीने पहले। अच्छा तो आपने वैक्सीन नहीं लगवाई कोई इनकी? डॉक्टर साहब हमने हकीम जी को दिखाया था, उन्होंने नीम का पत्ता बांध दिया। अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी, आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए थी। क्या इनको हवा पानी से दिक्कत हो रही है, खाने पीने में परेशानी आ रही है इनको? डॉक्टर साहब ये बंद कमरे में रहते हैं, बत्ती ऑन करने पे घबरा जाते हैं, और जैसे इनको कुछ पिलाया जाता है तुरंत ये डर से जाते हैं और फेंक देते हैं। लेट आइए, इनकी तो बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। देखिए इनको रेबीज हो चुका है क्योंकि इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। भारत में हर साल तकरीबन 20,000 लोग रेबीज से अपनी जान गंवा देते हैं। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जो कि न सिर्फ कुत्ते बल्कि बिल्ली, बंदर और चमगादड़ के काटने से भी हो सकती है। कुत्ते काटने पर घाव को किसी भी कपड़े से टाइट ना बांधें और ना ही किसी भी तरीके का घरेलू उपचार करें। जख्म को 10 से 15 मिनट तक साबुन के पानी से धोएं और तुरंत ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके रेबीज की वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि सही उपचार के तहत रेबीज को हराया जा सकता है।